यूपी के मथुरा जिले की बेसिक शिक्षा का हाल बेहद बुरा है और किसी से छिपा नहीं है। समय समय पर यहां के कारनामे सामने आते रहे हैं और ऐसा ही एक नजारा देखने को फिर मिला है, जहां मथुरा के प्राथमिक विद्यालय दघेटा प्रथम विधानसभा क्षेत्र बलदेव में हुई रिमझिम बारिश से विद्यालय का स्वरूप तालाब में बदल गया। बात यही खत्म नहीं होती, सबसे खास बात यह रही कि जब यहाँ मैडम साहिबा स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए आए तो बच्चों को उनके लिए कुर्सी का पुल बनाना पड़ा। बच्चे पानी में खड़े होकर के कुर्सी लगा लगा कर अपनी मैडम को स्कूल में ले जा रहे थे। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से एक महिला शिक्षिका छोटे छोटे नन्हे बच्चों से कुर्सियां लगवा कर पुल बनवा रही हैं। ये वीडियो गांव से ही वायरल हुआ है। इस विद्यालय में सुविधा के नाम पर क्या है, कितना विकास रहा, ये आप खुद देख और समझ सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पानी में रह करके मैडम के लिए कुर्सियों का पुल बना रहे हैं और मैडम साहिबा बड़ी शान के साथ कुर्सी के पुल से जा रही हैं। कहीं उनके पैर भीग न जाए इसका भी बच्चे पूरा ख्याल रख रहे हैं, भले ही बच्चे इस गंदे पानी में क्यों ना रह रहे हों। सारा स्टाफ और बच्चे बहुत परेशान हैं और ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। कई बार विद्यालय द्वारा संज्ञान में एवीएसए और ब्लॉक पर भी दिया जा चुका है पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ पूरा स्टाफ परेशान है और बच्चे स्कूल आने में झक रहे हैं। मथुरा से जनमत न्यूज के लिए सैयद जाहिद की रिपोर्ट।